राम राम भाई सारे भाई ने। और भाई मंजीत ने हरिद्वार गया था 20 तारीख ने, तो एक दो दिन और क्या है, तो उसने 22-23 ने कार उठाई होगी, तो वो आओगा जीता होगा ना, वो मंदिर में जल चढ़ावा, वो मंदिर दिखावांगे। और भाई उसके पास फ़ोन तो है नहीं भाई, आप फ़ोन कर पूछ रहे मंजीत भाई कितना आ गया, उसने लेवान चले जावा, उसके बाद ना कोई फ़ोन है ना वो है, वो तो अकेला चल रहा है, मस्त आदमी है। आता भाई सहसे सहसे आओगा, मैंने 5-7 दिन तलाक गएंगे, क्योंकि 22 ने या 23 ने चल जाए होगा, तो भाई 2 तारीख ने जल चढ़ेगा, तो एक ना वो आ लेगा गाँव में, तो वो मंदिर दिखाते हैं जहाँ पे वो भाई जल चढ़ाओगा। और कैसा मंदिर हमारा शिव जी का, आओ मंदिर में चलते हैं। और भाई देखे मंदिर का ना जाओ ना, तो ये राशन का यो डिपो भी अपना, यहाँ से हमें तेल पानी चीनी जो है यहाँ से मिलता है, इन्हें टाइमिंग लिख रखी है, आज सर्दियों का गर्मियों का लिख रखे है, क्या क्या चीज़ मिलती है वो लिख रखे है, गेहूँ आटा चीनी जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है। और भाई मंदिर में जाने खातर है ना, देखिए छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी गली से जाना पड़ता है, गांव में ना क्या होता है, कोई गाड़ भीड़ी होती है कोई चोरी होती है, तो भाई ये शॉर्टकट रास्ता, वैसे एक बड़ी गाड़ भी जाती है लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए इसी गली में आगे जाना आ रहे हैं मंदिर में, और आ जाओ आप भी। और भाई यो मेरे गाँव का जोड़ है, इसकी सफाई चल रही है, इसको गुगवाड़ा के नाम से जानते हैं जोड़ को, और भाई बहुत गहरा है, पानी काफ़ी काट चुके हैं लेकिन चोवा नहीं टूट रहा। और देखिए ये घाट बना रखा है, यहाँ से भाई पशु चढ़ते हैं उतरते हैं, और घाट है ना पक्का करा रखा है। और आज भी देखे वे कुएँ जो पुराने आपने देखे होंगे, पहले ऐसे कुएँ से पानी लेके आते हैं ना, नेजू लेक है, देखो कुएँ आज भी खड़े हैं हमारे पास हमारे गांव में, आज दिखाता हूँ। और भाई शायद है ना पहला ना यहाँ पे ऊँचा टीला था, ये इसके बराबर थे जब भी तो पानी लेके जाते थे, तो ये घाट बनाया ना, तो इसकी मिट्टी निकाल दी होगी, तो ये नीचा हो गया, इसलिए कुएं ऊपर हो गए। और आजकल सप्लाई का पानी आता है, कुएं को पानी को कोई नहीं यूज करता, वैसे कुएं पानी से बढ़िया कोई पानी नहीं होता, एक उधर कुआ है वो देखे, और बहुत सारे जो मंदिर के पास है ना उधर बहुत सारे कुएं हैं, तो वह पुरानी परंपरा हर एक गाँव में आज भी पा जाएगी, भाई पुरानी हवेली पा जाएगी, पुराने कुएं पा जाएंगे, पुराने भाई बड़द वड़द जो बग्घी वग्घी यूज करते थे वो आज भी है। और भाई ये मेरे गाँव का अस्पताल है पशुओं का, और देखो शैम ये आपने के है इसको क्या बोलते थे खटखड़, कोई पशु मान ले दूध नहीं देता तो इसके अंदर बाढ़ के उसके पकड़ के बेल दब दूध निकालते हैं, सुआ लगाना हो आड़ करता हो तो ये खटखड़ यूज किया जाता है। अरे ये स्थल है, ये पहले पुराना था, अभी तोड़ के ये आगे बिल्डिंग नई बनाई है, और ये पुरानी दीवार है, ये जो टूटी हुई दिख रही ना ये पुरानी दीवार है, लेकिन नया यो अभी बनाया पशुओं का। और भाई यो मेरे गांव का बोले का मंदिर है, जहाँ पे भाई डाक कावड़ झूला कावड़ सभी चढ़ती है, अरे मंजित भी यही कावड़ देखा होगा। अरे इस साइड है ना गुगा पीर का मंदिर है, और दोनों अनंदर दिखाते हैं, आ जाओ एक बार भाई मंदिर मुड़ गया, चप्पल काट दी और भाई हाथ पैर धो लिया, तो बोले के मंदिर में जाना आ रहे हैं। और भाई मेरी माँ पानी देना आ रही थी पुराना, मंजित कावड़ देखा होगा, अरे शिव जी का मंदिर में आ रहे हैं मेरी माँ भी, और मैं वीडियो बना के आता रहा मेरी माँ भाई रूटीन ताव है। और भाई देख हनुमान जी की भी वो है तस्वीर है, और ये हनुमान जी के खड़ा हुआ भाई। और भाई ये शिव जी का मंदिर है, जहाँ में कावड़ चढ़ाओगे मंजीत भी देखा होगा, और भाई मेरी मार में जल चढ़ाना आ रहे हैं, यहाँ पे कावड़ चढ़ेगी शिव जी के मंदिर में, और भगवान ने चाह अरे यहाँ पे कावड़ चढ़ेगी भाई मंजित देखा होगा, और भी जो डाक कावड़ है झूला कावड़ है वे यहाँ पे चढ़ाते हैं शिव जी के मंदिर में, और भाई सभी पूजा पाठ करते हैं, मेरी माँ भी करना ही है। अरे बोले ने दिन दिया था आपा भी एक दिन लेकर आओ कावड़, और भाई जो कावड़ लेकर आओगे ना वो बोले है ना यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे उनके रुकने का प्रबंध कर देंगे इस पोर्शन में, यहाँ पे है ना कावड़ रखने की भाई जो झूला कावड़ लेकर आते हैं ना उनके रखने की व्यवस्था कर देंगे, यहाँ पे कावड़ रखी जाएंगी वहाँ पे भी आराम कर लेंगे। और भाई पेड़ पैर देखिए वो जीव जंतुओं खातर पानी की व्यवस्था कर रखी है, यार भाई पेड़ है ना देखे इसके डाडी आ गई, इसको डाडी बोलते हैं भाई ये लटक जाते हैं ना यूँ कहते हैं इसको डाडी आ गई, अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं देख गिलास बना गिलास कर दिए ना बना दिए देख नहीं लग रहे देखे नहीं बना रखे ने खेल है बहुत मस्त उम्र है यार खेलने की। गुगा पीर की जगह है, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, देख कितनी सुथरी जगह है, अरे घंटी लगा रखी है दो, ये पीर बाबा की जगह है भाई, ये अभी पूजा पाठ करते हैं।
और भाई आंगनबाड़ी में आए हैं, आंगनबाड़ी में ना जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा सकते वे आते हैं, और बहुत अच्छी बातें देख रखी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज यहाँ पे है। देख एक तो यहाँ पे ना तो बच्चों की देख हाइट भाई किसकी कितनी हाइट बढ़ी यहाँ पे, इस पे हाइट चेक करते हैं। और भाई इनमें बहुत अच्छी बात ले रखी है, जैसे ये लिखा है सड़कों पे मत खेलो, माता पिता का आदर करो। फिर है प्रतिदिन आंगनबाड़ी जाओ, प्रतिदिन काल में दांत साफ करो, बहुत अच्छी बातें लिखी है। और भाई सड़क पर मत खेलो, माता पिता आदर करो। और देख भाई बहुत अच्छी सुविधा है खेलने के लिए, बच्चा खेल भी इसके देखिए, अरे झूलने के लिए छोटी छोटी कुर्सी दे रखी है, और भाई यहाँ भी बैठ सकते हैं, और भाई पढ़ाई पढ़ाई भी सिखाते हैं, और देख झूलने के लिए देखिए ये भी है, तो बहुत अच्छा है यार, बहुत सुविधा है यहाँ पे। पर हम मिस कर रहे हैं, मेरे मामा थे ना छोटे छोटे जब नहीं थी ये चीज़ ई वही है भाई। इधर काली माँ का मंदिर है भाई, मंदिर बहुत सारे हैं। अरे एक बात और विशेष देखी आज मैंने, जैसे ही शिव जी के नाम की या भोलेनाथ की वीडियो बनाने की कोशिश करी ना, आज का दिन है मैं सपैसे भोलेनाथ के नाम पर वीडियो बनाऊँगा, तो ऑटोमेटिक बारिश आ गई, तो भाई बड़ी खुशी की बात है भाई। और कदे भगवान चाहे ना तो मैं भी कावड़ी देखाऊँगा, क्योंकि तो मैं घर बना ला रहा हूँ और वह मंजीत कावड़ी देने जा रहा है, तो घर में काम करने वाली समस्या थी भाई, क्योंकि सामान भी लेना पड़ा था नहीं जान पाया, लेकिन एक दिन आवांगे जरूर बोले के दर पर भाई। भाई आप चाहते हो भाई मंजीत को कावड़ जाता दिखाओ, तो भाई वो भी कोशिश कराएंगे कि जब पूछा है भाई कितना आ गया कितनी आ गया, उसके पास मोबाइल तो है नहीं, बाकी उसके साथ एक दो वीडियो जरूर बनावाएंगे। तो भाई आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा उसको कमेंट करा रो, और भाई ब्लॉग को लाइक करा रो, शेयर करा रो सारे भाई ने सुंदर सामान की। राम राम भाई।